1 मई को दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। मजदूर दिवस या लेबर डे मनाने की शुरुआत ईयर 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई थी। मजदूर दिवस पर दुनिया के 80 से अधिक देशों में नेशनल हॉलिडे होता है, इसमें भारत भी शामिल है। इस दिन को मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि भारत में पहली बार मजदूर दिवस कब बना था। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता और कॉमरेड मल्लयापुरम सिंगारावेलु चेतियार के नेतृत्व में मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था। सिंगारावेलु के नेतृत्व में मद्रास हाई कोर्ट के सामने बड़ा प्रदर्शन किया गया था। सिंगारावेलु ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने इस दिन को पूरे भारत में मजदूर दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और छुट्टी का ऐलान किया था। 1920 के दशक में भारत कई राजनीतिक घटनाओं का साक्षी बना है। एक ओर देश में कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ, वहीं देश में पहली बार कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मई 1923 को कम्युनिस्ट नेता सिंगारावेलु चेतियार के नेतृत्व में पहली बार चेन्नई में लाल झंडा फहराया था। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि लाल झंडा फहराया गया था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के बीच जन्म लिया था और वास्तव में इसके साथ गहराई से जुड़ा था। सिंगारावेलु कम्युनिस्ट आंदोलन का हिस्सा बनने से पहले एक कट्टर गांधीवादी थे। 1 मई 1923 को जब उन्होंने पहली बार लाल झंडा उठाया था तो उन्होंने अपनी पार्टी द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। देश को मजदूर दिवस की अवधारणा से परिचित कराते हुए सिंगारावेलु ने चेन्नई में 2 बैठकों की अध्यक्षता की, एक समुद्र तट पर और दूसरा मद्रास हाई कोर्ट में। अपनी पार्टी के महत्व और सामान्य रूप से श्रमिक आंदोलन के बारे में बताते हुए सिंगारावेलु ने 1 मई को छुट्टी घोषित करने का आह्वान किया था। बैठक में अध्यक्ष के रूप में सिंगारावेलु ने पार्टी के अहिंसक सिद्धांतों को समझाया, वित्तीय सहायता के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के मजदूरों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकजुट होना होगा। सिंगारावेलु ने ये भी घोषणा की कि उनकी पार्टी कांग्रेस के मजदूर और किसान इकाई के साथ मिलकर काम करेगी। हालांकि उनकी पार्टी अगले 2 वर्षों में खत्म हो गई, लेकिन भारत में मजदूर दिवस बनाने का प्रचलन जारी है। मजदूर दिवस की शुरुआत मई 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूरों के आंदोलन से हुई थी। अमेरिका में लाखों मजदूर काम के 8 घंटे निर्धारित करने के लिए की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इस दिन लाखों अमेरिकी मजदूर शोषण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान हड़ताली मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसमें कई लेबर्स की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये ऐलान किया गया कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सभी लेबर्स और वर्कर्स की छुट्टी रहेगी। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।